हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे करेले की भुजिया। तो देखिए क्या क्या चाहिए हमें। करेला ले लिया है, प्याज, हरी मिर्च, नींबू। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने गैस पे कढ़ाई, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा। जीरा को भुनने देंगे और यहाँ पे जीरा अच्छे से भुन गया है, इसे चला लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तेल गरम है तो हरी मिर्च भी जल्दी से ऊपर आ गई और ये अच्छे से भुन रही है। अब इसमें डाल देंगे बड़े बड़े स्लाइसेस में कटे प्याज, इसे भी चला लेंगे और अब इसे भुनने देते हैं। ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने इसको देखा और ये अच्छे से भुन गया है। हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि करेले के साथ भी प्याज भुनती है। यहाँ पे डाल दिया मैंने करेला, बहुत पतले पतले काटे हैं स्लाइसेस में और इसे डाल के चला देंगे अच्छे से, तेल मिक्स हो जाए। चलाते रहे इसको थोड़ी थोड़ी देर पे। ये देखिए थोड़ी देर पे चला रही हूँ इसे और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हुआ है और धीरे धीरे ये गलना शुरू हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे फिर इसका कलर थोड़ा और चेंज हो गया है और इसे चला देती हूँ अच्छे से। चला लें चारों तरफ और अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डाल के चला दीजिए। नमक डालने से अभी बहुत जल्दी गल जाएगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो गया और डार्क कलर हो गया। अब यहाँ पे मैं नींबू डाल रही हूँ, आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ दूँगी। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा नींबू अच्छे से इस पर निचोड़ के इसको मिक्स कर लें जिससे कि थोड़ा सा इसका जो कसावपन है वो कम हो जाता है, ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। और अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कटोरी में सर्व कर लिया है और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। इस तरीके से बनाइए, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।